जय श्री कृष्ण। भक्तों, श्री जय दयाल जी गोयल जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी नहीं व्यर्थ बिताते, जिनका तन मन धन जन और सारा समय केवल सब लोगों के कल्याण के लिए ही बीतता है, वे ही लोग धन्य हैं, वे देवताओं के लिए पूजनीय हैं, उन्हीं बुद्धिमानों का जन्म सफल और धन्य है। प्रथम तो जीवन है ही अल्प और जितना है वह भी अनिश्चित, ना मालूम मृत्यु कब आकर हमें मार दे। यदि आज ही मृत्यु आ जाए तो हमारे पास क्या साधन है जिससे हम उसका प्रतिकार कर सकें। यदि नहीं कर सकते तो अनाज की तरह मारे जाएंगे। इसलिए जब तक देह में प्राण है और मृत्यु दूर है, तब तक हम लोगों को अपना समय ऊंचे से ऊंचे काम में लगाना चाहिए। शरीर और परिवार का पोषण एवं धन का संग्रह भी यदि सबके मंगल के कार्य में लगे तभी करना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें हमें सच्चे सुख की प्राप्ति में सहायता नहीं पहुंचाती, तो इनका संग्रह करना मूर्खता है। शरीर त्यागने के बाद धन संपत्ति परिवार की तो बात ही क्या, हमारी इस सुंदर शरीर से भी हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। और हम अपने शरीर और संपत्ति आदि को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने और संसार के कल्याण के काम में नहीं लगा सकेंगे। संपत्ति तो यहाँ ही रह जाएगी और देह की मिट्टी राख हो जाएगी, अतः वह किसी के भी काम में नहीं आएगी। सब बातें सोचकर हमको अपनी सब वस्तुएं ऐसे काम में लगानी चाहिए जिससे हमें पश्चाताप ना करना पड़े, परम शांति, परम आनंद और परम प्रेम रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन में ही इस जीवन को बिताने की तत्परता के साथ प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में अनेक साधन बतलाए गए हैं। उनमें से किसी भी एक प्रकार के साधन को यदि मनुष्य स्वार्थ त्याग कर निष्काम भाव से करे तो सहज में और शीघ्र ही सफलता मिल सकती है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।